भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की जबरदस्त अभिनेत्री बेगम पारा। इनका जन्म सन 1926 में पारा हक में हुआ था। इनका खानदान बड़ा नामी गिरामी था और अलीगढ़ से था, और ये वो वक्त था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर। इनके पिता सरकार में एक बहुत बड़े ओहदे पर थे और इनका बचपन बीकानेर में बीता। बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की। बेगम पारा के परिवार ने हिंदुस्तानी क्रिकेट के शुरुआती दौर में बहुत जबरदस्त योगदान दिया था, पर कहां एक तरफ क्रिकेट और दूसरी तरफ फिल्म्स। दरअसल बेगम पारा के भाई ने शादी की प्रतिमा दास गुप्ता से, जो कि उस जमाने की बेहतरीन अभिनेत्री थी। जब कभी ये मुंबई जाती अपने भाई के पास, तो फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर और उसकी चकाचौंध इन्हें अपनी ओर खींचती। इनकी शोख अदाओं और इनकी खूबसूरती की वजह से अक्सर लोग इन्हें फिल्मों के ऑफर दिया करते। सशादर मुखर्जी और देविका रानी वो पहले लोग थे जिन्होंने बेगम पारा को पहला ब्रेक दिया। हालांकि इनके वालिद कतई तैयार नहीं थे, पर अपनी बेटी की जिद के आगे वो झुक गए। सिर्फ एक शर्त रखी कि कभी भी लाहौर में ये फिल्मों में काम नहीं करेंगी। इनकी पहली फिल्म रही पुणे के प्रभात स्टूडियो की चांद। ये सन 1944 था। प्रेम अदीप इनके हीरो थे और सितारा देवी वैम्प का किरदार निभा रही थीं। फिल्म अच्छी चली और ये 1500 रुपए महीना कमाने लगी। उस दौर में 1500 रुपए एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और उसके बाद अपनी भाभी प्रतिमा के साथ मिलकर इन्होंने बनाई फिल्म छमिया, जो कि नॉवल पिग्मेलियन पर आधारित थी। यह भी सफल रही। हालांकि मकबूलियत तो इन्हें हासिल हो रही थी, पर फिर भी ये बहुत काम नहीं कर रही थी। इसकी वजह एक ये थी कि इनकी इमेज एक मॉडर्न लड़की की थी और ये किसी भी तरह के कंजर्वेटिव और रोने धोने वाले किरदारों से दूर रहना चाहती थी। उस वक्त की और भी अभिनेत्रियों के साथ बेगम पारा की दोस्ती हुई। ये एक बिंदास हीरोइन थी, जो करती थी दुनिया के सामने किया करती थी। कभी भी अपने बिंदास पने को इन्होंने छिपाया नहीं। उस वक्त की बहुत सी अभिनेत्रियों के साथ इन्होंने काम किया, जैसे कि नरगिस के साथ फिल्म मेहंदी, जंजीर और सोनी महिवाल की थी ईश्वरलाल और दीक्षित के साथ, मेहरबानी अजीत साहब के साथ की, और सुहागरात भारत भूषण और गीता बाली के साथ। नीलकमल में इनके साथ राज कपूर थे। ये बात भी मशहूर रही कि बेगम पारा ने फिल्म मुगले आजम में वो किरदार छोड़ दिया जो बाद में निगार सुल्ताना ने निभाया था। वजह ये थी कि ये रोने धोने वाले किरदारों से जरा दूर ही रहना चाहती थी, और इसीलिए मुगले आजम जैसी फिल्म को भी इन्होंने छोड़ दिया। ये पहली भारतीय अभिनेत्री रही जिन्हें लाइफ मैगजीन ने सिलेक्ट किया था बतौर पिनअप गर्ल। और फिर वो मोड़ आया इनकी जिंदगी में जब इन्हें इनका जीवन साथी मिला, दिलीप कुमार साहब के छोटे भाई नासिर खान। उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री शम्मी ने नासिर साहब और बेगम पारा इन दोनों के रोमांस को परवान चढ़ाने में खासी मदद की। हालांकि उस वक्त नासिर साहब पहले से ही शादीशुदा थे और बेगम पारा ने बड़ी कोशिश की कि वो इनसे दूर रहे, पर चूंकि नासिर साहब की शादी पहले से ही टूटने के कगार पर थी, तो इन दोनों ने इस रिश्ते को आगे बढ़ने दिया। हालांकि ये दोनों ही मुस्लिम हैं, लेकिन बेगम पारा ने ये बात साफ कर दी थी कि वो बतौर दूसरी बीवी इनके साथ नहीं रहेंगी, लिहाजा नासिर साहब तलाक लें और उसके बाद इनसे निकाह करें। और ठीक ऐसा ही हुआ। पहली शादी से नासिर साहब को एक बेटी हुई थी और बेगम पारा ने ये बात साफ कर दी थी कि मुझसे शादी करते ही उस बेटी की जिम्मेदारी मैं लूंगी, और उस जिम्मेदारी को इन्होंने ताउम्र निभाया। हालांकि इनके मशहूर जेठ साहब यानी कि दिलीप कुमार उस शादी में मौजूद नहीं थे, और उसके बाद कुछ हालात ऐसे बदले कि बेगम पारा और दिलीप कुमार आमने सामने भी नहीं आते थे। इसकी वजह किसी हद तक सायरा बानो को माना गया। दिलीप साहब के परिवार ने यह बात महसूस की कि जब से सायरा बानो इनकी जिंदगी में आई हैं, ये अपने परिवार से जरा कटे कटे से रहते हैं। बेगम पारा के पति नासिर खान खुद एक अभिनेता थे। फिल्म गंगा जमुना में उन्होंने जबरदस्त अभिनय किया था, पर बेवक्त ही उनके बाल झड़ने लगे थे और उन्हें विग लगाकर काम करना पड़ रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना सिर्फ फिल्म मेकिंग की तरफ ही ध्यान दिया जाए। सन 1974 में नासिर साहब और बेगम पारा ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई फिल्म जिद में लगा दी थी, जिसके मुख्य किरदार निभाए थे संजय खान और सायरा बानो ने। फिल्म तकरीबन पूरी हो चुकी थी, बस कुछ काम रह गया था और आउटडोर शूटिंग के लिए नासिर साहब गए। और अगले दिन नरगिस जी ने बेगम पारा को फोन किया और बताया कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनके शौहर नासिर इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये बहुत बड़ा झटका था इनके लिए। पूरी तरह से ये अपने पति पर ही निर्भर थीं।
और ये पहले ही फिल्म जिद में पूरा पैसा लगा चुके थे। इस शादी से इनके 3 बच्चे हुए और पूरे परिवार को पालना इनके लिए बड़ा कठिन था। इन्होंने शराब का सहारा लिया और इससे पहले कि ये पूरी तरह से अपने आप को शराब में डुबो देती, इनकी बहन ने इनका हाथ थामा और ले गई इन्हें पाकिस्तान, जहाँ इनके वालदेन रहते थे। तकरीबन 2 साल ये वहाँ रहीं, थोड़ी सी हिम्मत आई, लौटने का फैसला किया और अपने घर के एक हिस्से को किराए पर चढ़ा दिया, जिससे इनके परिवार की देखरेख होती रही। इनके बेटे अयूब खान जाने माने अभिनेता हैं। फिल्म्स और टेलीविजन में अयूब खान ने अच्छा नाम कमाया, पर बेगम पारा ने फिल्मों को छोड़ने के बाद एक बार फिर वापसी की, और इस बार वापसी की सन 2007 में। ये आईं सोनम कपूर की एक बुजुर्गवार बनके फिल्म सावरिया में। संजय लीला भंसाली की सावरिया में बेगम पारा एक बार फिर नजर आई थी। संजय लीला भंसाली ने इन्हें एक और फिल्म के लिए भी साइन करना था, पर उससे पहले ही बेगम पारा ने आखिरी सांसें ली। 9 दिसंबर सन 2008 81 साल की उम्र में बेगम पारा ये दुनिया छोड़कर चली गईं। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।